हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय येट अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एक पेड़ पौधे के बारे में बताऊंगा जो कि बड़ी आसानी से अपनी छत पर उगाया जा सकता है, और वो है भिंडी का पौधा। तो दोस्तों, इस पौधे को हम लोग बड़ी आसानी से छत पर उगा सकते हैं बिना किसी ज़्यादा मेंटेनेंस के। तो फ्रेंड्स, इसका बीज आप फरवरी या मार्च में बोएं, और उसके बाद ये आपको अप्रैल से फल देना शुरू कर देगा, जो कि अक्टूबर एंड नवंबर फर्स्ट वीक तक भिंडी के पौधे आते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी भिंडी मेरी तरह बहुत ज़्यादा पसंद है और आपकी फैमिली को भी पसंद है, तो लगभग 5 पौधे एक पर्सन के लिए सफिशिएंट होते हैं एवरी अल्टरनेट डे, अगर आपको भिंडी की सब्ज़ी खानी है। तो मेरे घर में 4 लोग हैं, इसलिए मैंने लगभग 25 पौधे भिंडी के लगाए, और एवरी अल्टरनेट डे हर एक दिन छोड़ के मुझे भिंडी की सब्ज़ी मिल जाती है। इनके सीड्स आप आसानी से ग्रो बैग में सो कर सकते हैं, और सीड्स ध्यान रखिए अच्छी हाइब्रिड क्वालिटी के होने चाहिए ताकि आपको बहुत सारी ढेर सारी भिंडी मिल सके। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि मेरे पास काफ़ी भिंडी आ रही है और सफिशेंट है जो कि मेरी फैमिली के लिए। भिंडी के पौधे पर सबसे ज़्यादा वाइट मिली बग्स का अटैक होता है जो कि एफिड्स होते हैं। टू गेट रेड ऑफ दोज मिली बग्स आई यूज़ नीम ऑयल मिक्स विथ सम शैम्पू सो डैट दे गेट डिजॉल्व इन इट एंड कैन बी रिमूव फ्रॉम द प्लांट। और इस नीम ऑयल का स्प्रे आप हर 15 दिन पर कर सकते हैं टू कीप योर प्लांट हेल्दी। और दोस्तों, इस प्लांट के लिए जो मैंने मिट्टी का यूज़ किया है वो कोई स्पेशल मिट्टी नहीं है, मेरे यहाँ बोरिंग हुई थी, वही बोरिंग की मिट्टी में थोड़ी सी गोबर की खाद मिला के और थोड़ा सा कोकोपीट मिला के मैंने ये मिट्टी तैयार की है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फर्टिलाइज़र में क्या डालता हूँ। ये प्योरली ऑर्गेनिक भिंडी है और इसमें मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही डालता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मेकर है जो मैंने अभी बनाया है। इसमें 2 कंपार्टमेंट हैं। ऊपर वाले कंपार्टमेंट में आप किचन वेस्ट डाल सकते हैं, जो कि फल सब्जियां कटे हुए छिलके, उसको वो डिकम्पोज हो के उससे जो लिक्विड निकलता है वो नीचे वाले कंपार्टमेंट में जाता है, और वही लिक्विड मैं अपने प्लांट्स के लिए यूज़ करता हूँ, अपनी भिंडियों में और बाकी पौधों में डालता हूँ। दोस्तों, कभी भी इस लिक्विड को डायरेक्ट प्लांट्स पर ना डालें, इसे हमेशा डाइल्यूट कर लें 1:3 के रेशियो में, और फिर प्लांट्स पर स्प्रे करें या फिर प्लांट्स की रूट्स पर डालें। इस लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मेकर को बनाने का वीडियो मैंने एंड स्क्रीन में डाल रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। दिस लिक्विड एक्ट्स एज अ पैनेशिया फॉर ऑल द प्लांट्स, और ये वाइटल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को सप्लाई करता है जो कि मिट्टी में मिसिंग होते हैं। मेरी जो मिट्टी है उसमें ज़्यादा जान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 सीज़न से मैं उसमें फल उगा रहा हूँ, तो मैं इसको हर दूसरे या तीसरे दिन पर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालता हूँ ताकि प्लांट्स को रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा एफर्ट डाल के छत पर ढेरों भिंडियाँ उगा सकते हैं और अपने पूरे परिवार को भिंडी की फ्रेश ऑर्गेनिक सब्ज़ी खिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल रनिंग फुल अहेड।